अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। वी आर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अ यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टुडेज टॉपिक इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टास्क यू हैव टू परफॉर्म इज अ क्वेश्चन। हाउ डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प द कंप्यूटर टू फंक्शन? राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। So the question is, how does an operating system help the computer to function? एक operating system computer को proper function करने में कैसे मदद देता है? First of all, you have to know what is an operating system. Operating system is a master control program. It controls all the activities of इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मास्टर प्रोग्राम होता है जो डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जो इनपुट और आउटपुट होती है वो ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। सो लेट सी द आंसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स टू मेक एक्सचेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट among input device, the software, the CPU and the output device possible. जो operating system है वो input को input devices के through CPU, software में transfer करता है और फिर output devices के through आपको output show करता है. For example, आपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट एंटर की, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए होते हैं, जैसे गूगल, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी सर्च करनी है तो आपने गूगल पे एंटर किया, तो एंटर किसे करेंगे? कीबोर्ड से। जो भी आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से आपने इनपुट एंटर की कि आपने जी कार्टून्स देखने हैं। आपने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ट्रांसफ़र करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को, तो सीपीयू में आपकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद फिर आउटपुट शो होगी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, और वो भी सीपीयू से ट्रांसफ़र आउटपुट डिवाइसेस को कौन करने में हेल्प करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके जो इनपुट और आउटपुट होती है उनको एक्सचेंज करने में मदद देता है। कि जैसे आपने इनपुट डिवाइसेस से इनपुट एंटर की, उसको एक्सचेंज करेगा सीपीयू में, सीपीयू से जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसको फिर ट्रांसफ़र कर देगा आउटपुट डिवाइसेस में, फिर अब आउटपुट डिवाइसेस आपको आउटपुट शो करेंगे। सो लेट्स सी द पिक्चर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इनपुट एंटर करेंगे, ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड और माउस, इनके थ्रू आपने इनपुट एंटर की ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि वो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मीन्स टू सॉफ्टवेयर, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, उनको आप उनके थ्रू वो ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च किया है, तो गूगल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा? उनको ट्रांसफ़र करेगा, फिर उनसे दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ट्रांसफ़र करेगा, एक्सचेंज करेगा सीपीयू के साथ, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं इसको। तो सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनसे है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको आउटपुट शो करेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प आउट करता है, इन सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट रखता है, ठीक है। आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं ये सारी डिवाइसेस, तो इनके थ्रू जो उनसे है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउटपुट शो करता है। सो सबसे पहले क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम?
आप जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपनी जो सी इनपुट है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ऐड करेंगे, उसके बाद फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये सीपीयू को ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद प्रोसेसिंग होगी सारी सीपीयू में, और जो आउटपुट आपको दोबारा से एक्सचेंज होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउटपुट डिवाइसेस पे डिफरेंट जो से आपकी आउटपुट्स आएंगी उनको शो कर देगा, ठीक है। सो ये सारा प्रोसीजर जो है वो वर्कआउट करता है। इस तरह को ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को हेल्प करता है कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर लैपटॉप ले लिया है, अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही कोई इंस्टॉल नहीं किया, ना उसमें विंडो की है ना यूनिक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया, तो फिर आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ज़रूर करना चाहिए। दिस इज योर असाइनमेंट, आई होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड एंड लर्न इट। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।